हेलो फ्रेंड्स, आज से हम तीन चार सेशन सीनियर्स के लिए एक्सरसाइज बताएंगे। सीनियर को करने वाली एक्सरसाइज, 60 प्लस के लोग, बुजुर्ग लोग जिन्हें आप कहते हैं, आपके घरों में सब के यहाँ होंगे कोई ना कोई, दादी नानी, किसी के मम्मी पापा और मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कोई भी आपके यहाँ होंगे सीनियर सिटीजन्स, तो उनके लिए मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी। सीनियर्स को एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। एक बार यंग लोग छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन सीनियर्स को 60 प्लस लोगों में बहुत ज्यादा बीमारियां शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी, तो जैसे ब्लड प्रेशर और ब्लड का सर्कुलेशन, मतलब उनको असंतुलित हो जाता है ब्लड रोटेशन, रक्त प्रवाह जिसे कहते हैं वो असंतुलित हो जाता है। प्लस उनको भूलने की बीमारी होने लगती है, अल्जाइमर जिसे कहते हैं, और हार्ट की प्रॉब्लम्स तो चलती रहती, किडनी की प्रॉब्लम्स चलती रहती उनको, और बॉडी पेन होता रहता है। तो ये सारी चीजें अपन, तो ये एक्सरसाइज करने से एजिंग का इफेक्ट उन पर कम पड़ेगा। जो शुरू से करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो 60 प्लस है, जो नहीं करते, वो भी धीरे धीरे एक्सरसाइज करना शुरू कर सकते हैं। तो देखिए मेरे साथ, इसको 40 प्लस लोग भी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं जो भी करना चाहे, लेकिन ये इजी एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज में बुजुर्ग हो या यंगस्टर्स हो, उनको स्टे करना जरूरी है। थोड़ा सा स्टे करेंगे तो उस पार्ट पे आपके अच्छा इफेक्ट आएगा, और अगर स्टे नहीं करेंगे तो वार्म अप एक्सरसाइज हो जाएगी, फटाक से आपका फैट रिलीज होगा, आपको फटाक से फायदा होगा, फिर वापस वही पोजीशन हो जाएगी। तो इसलिए कोई भी एक्सरसाइज, आप बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, तो आपको उसमें स्टे करना चाहिए। तो स्टे करने से आपको उस पार्ट पे पूरा पूरा उसका एक्सरसाइज का फायदा मिलेगा। इसीलिए मैं लेडीज के लिए चैनल है अपनी, और इसीलिए मैं स्लो एक्सरसाइज करती हूँ, धीरे धीरे एक एक पार्ट की, ताकि अपन स्लोली उस पार्ट को, उस चीज का फायदा दे सके, उस एक्सरसाइज का उसको प्रॉफिट मिल सके उस पार्ट को। तो देखिए, अपन बुजुर्गों के लिए आज खड़े खड़े की एक्सरसाइज करेंगे। खड़े होकर बुजुर्ग कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, और जो नहीं करते हैं, 40 प्लस है, 50 प्लस है, वो लोग भी इसे कर सकते हैं। देखिए, एक तो नमस्ते वाला करेंगे अपन। देखिए, पीछे से आके हाथ लाएंगे और नमस्ते करेंगे, ठीक है। नमस्ते करने में क्या है, ये सारे पॉइंट्स आपके एक्टिवेट होते हैं, ये सारे आपने सुने होंगे, सारे पर्वत होते, गुरु पर्वत, शुक्र पर्वत, सारे शनि, और ये सारे पर्वत होते, ये सारे आपके पर्वत के साथ साथ आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी हैं। तो ये पॉइंट्स जब दबते हैं तो आपके इंटरनल पार्ट्स को इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हाथ लाएंगे और ये नमस्कार मुद्रा करेंगे अपन, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे लाएंगे, स्लोली करना है आपको, बिल्कुल हाथ पीछे ले जाना, इससे आपके शोल्डर का भी मूवमेंट हो रहा है, हाथों का भी मूवमेंट हो रहा है, प्लस ये आपके पॉइंट्स भी, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भी दब रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, ऐसे कीजिए, इसको आप कीजिए 4 से 5 बार। अब आप कीजिए, दोनों हाथ फैला के ऊपर ले जाइए। अब ऊपर भी आपको वैसे ही हाथ करने हैं, वैसे ही आपको पॉइंट्स प्रेस करने हैं, ये देखिए। फिर नीचे ले आइए, फिर ऊपर ले जाइए, ठीक है। अब इससे आपके शोल्डर की भी एक्सरसाइज हो रही है, आपके हाथ की स्ट्रेटनिंग बढ़ रही है, कमर पे लोड आ रहा है, सब कुछ आपका ठीक हो रहा है इससे। ये बहुत बहुत ईजी एक्सरसाइज है ये सारी, इसीलिए इसको मैंने सीनियर सिटीजन की सीरीज में रखा है। तो देख ही लीजिए आप, ठीक है। अब ये कर लिया आपने, अब ये थोड़ा सा ऐसे मूवमेंट लीजिए हाथों को। अब इसमें आपकी कमर हो गई, शोल्डर हो गए, पेट हो गई, साइड फेट हो गया, ये सारी चीजें इसमें कवर हो गई। ये देखिए, ये कर लीजिए 3-4 बार, ये हो गया, ठीक है। अब आप कमर पे हाथ रख लीजिए और एक हाथ को ऊपर करके इधर जितना आपसे जाया जाए सिर्फ इतना ही जाना, आपको ज्यादा नहीं जाना, और इसमें स्टे करना है आपको 1 मिनट 2 मिनट, जितना आपको अच्छा लगे, जितने तक आप यहाँ पे खिंचाव महसूस होता है, जितना आप यहाँ पे खिंचाव दे सकते हैं, जब तक आपको दर्द नहीं हो आप इतना कर सकते हैं बस। जैसे दर्द पेन होना शुरू हो जाए आप एकदम छोड़ दीजिए। ये देखिए, ऐसे कीजिए, फिर इस हाथ को लाइए, ऐसे आपसे जितना हो सके 3 बार 4 बार 5 बार, वो जितना झुका जाए, सिर्फ इतना भी झुका जाए तो भी ठीक है, इतना हुआ जाए, जितना आपको प्रैक्टिस, जितना आप कर सकते इतना, ठीक है। अब फ्रेंड्स, ये देखिए, अब हाथ ऊपर लाइए, फिर नीचे ले जाइए, हाथ ऊपर लाइए, फिर नीचे ले जाइए। ये आपका चेस्ट एरिया, शोल्डर एरिया बहुत स्ट्रांग कर रही है एक्सरसाइज,
कुछ नहीं, इसमें सिर्फ हाथ ऊपर उठाना नीचे लाना है, सिर्फ हाथ ऊपर उठाना वो नीचे लाना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये कीजिए, अभी एक एक्सरसाइज पैरों को दूर कर लीजिए। ठीक है, अभी ऊपर देखिए, अपना हाथ देखिए ऊपर, अभी इसमें आपकी नेक की भी हो गई एक्सरसाइज। ठीक है, अभी इस हाथ को लाइए वैसे ही, इसको यहां टिका लीजिए, ये इस हाथ को देखिए ऊपर देखिए, ये ऐसे, ये भी कीजिए आप तीन चार बार, ये देखिए हाथ को देखिए अपने ऊपर। ठीक है, अब एक कुशन वगैरह ले लीजिए, आप चाहे तो बुक भी ले सकते हैं, ये देखिए मैंने कुशन लिया है, अब कुशन को आप ऊपर कर लीजिए और कुशन को देखिए, ये देखिए, फिर आप कुशन को देखिए, फिर नीचे कर लीजिए, फिर कुशन को देखिए, फिर नीचे कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर आप ये एक और ऐसी वाली भी कर सकते हैं आप एक्सरसाइज, ये दोनों ऐसे बांध लीजिए, इसको ऊपर कीजिए, ठीक है, और फिर इधर मुड़िए, इधर झुकिए, इधर झुकिए, जितना झुका जाए अपना बॉडी को, आपको कष्ट नहीं देना है, ये ना दर्द नहीं हो, कहीं भी आपको पेन नहीं हो। अब पीछे जाइए, पीछे ले जाइए, ठीक है, अब आगे लाइए, फिर ऊपर ले जाइए, फिर साइड में ले जाइए, फिर सीधे होइए, अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से कीजिएगा। देखिए आप सब, अपनी बॉडी को पेन नहीं देना है, नहीं तो पेन होने लगेगा, फिर आप एक दो बार करके रुक जाएंगे कि नहीं यार पेन होता है इससे, तो बिल्कुल हल्का हल्का कीजिए, जितना जाया जाए इतना जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हुई खड़े खड़े की एक्सरसाइज। ठीक है, अब आप ताली बजा लीजिए लास्ट में, पीछे भी कर लीजिए, ठीक है। अब कल से अपन दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, दूसरे पार्ट की।